पुलिस अवैध वसूली करते हुए दिख रही है। साथ ही इस मामले में जब पत्रकारों ने सवाल करना चाहा तो पुलिस द्वारा उनको ही धमकाया गया। पुलिस द्वारा गाड़ी के कागज पूरे होने पर भी खामियां निकालकर गाड़ी चालकों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी 500 और 1000 रुपए लेकर गाड़ियों को छोड़ रहे हैं। जब मीडिया ने जानना चाहा कि क्या परेशानी आ रही है तो गाड़ी चालकों का कहना था कि 500-1000 हमसे मांगे जा रहे हैं और नहीं देने पर कोर्ट चालान की धमकी दी जा रही है। कितने रुपए मैडम को आपने? 500 रुपए दे दिया मैडम ने। आपको रसीद दे दी? रसीद नहीं दिया अभी, बना अरे बता ही रहा हूँ। मैडम ने आपको रसीद नहीं दी अभी? मैडम तो अपनी ड्यूटी करके पूरी कर चुके हैं यहाँ से अभी। तो मैं कर लूँगा सर आपसे बात। मैडम अच्छा, क्या सब वाहनों को रोका जा रहा है कि आपको पर्टिकुलर रोका रहा है? मतलब चुनिंदा वाहन को रोका जा रहा है? चुनिंदा वाहन देख लेते हैं। अच्छा, उन लोगों को रोक ले जो चेहरे पहचानते हो तो क्या? जैसे चेहरे के साथ जिसके ऊपर टीका लगा उन लोगों को रोकते हैं। उज्जैन से राजेंद्र सिंह परिहार की रिपोर्ट।